नोटबंदी को आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। तो 2016 को 8 नवंबर रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी डिमोनेटाइजेशन की, और आज इसी मौके पर नोटबंदी के विरोध में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो उस दौरान भी विरोध हुआ था। सरकार ने जिस तरह से फैसला नोटबंदी को लेकर किया था, जहां पर 1000 और 500 रुपए के नोटों पर बंदी लगा दी गई थी, बंद उन्हें कर दिया गया था, और ऐसे में तमाम लोगों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। लोग एटीएम्स की लाइन पर लगे हुए थे, कतारें इतनी लंबी लगी हुई थी जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। और इसी को लेकर विपक्ष ने काफी मुद्दा भी बनाया था, जहां पर कहा गया था कि लोगों को लाइनों पर लाकर खड़ा भी कर दिया गया है। तो ऐसे में आज 3 साल जब नोटबंदी के दिन को हो रहे हैं, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने जब इस बात का ऐलान किया था, तो उसके बाद देश में हलचल पैदा हो गई थी और कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार को देखते हुए ये फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। लेकिन इसका विरोध तब भी हुआ था और आज भी हो रहा है, जहां पर कांग्रेस का यूथ कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगा इस मुद्दे को लेकर।